माशाल्लाह मस्जिद के अंदर एंटर हो चुके हैं। मस्जिद की माशाल्लाह मुकम्मल लुक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम आए हुए हैं जामा मस्जिद सकीना सुगरा, जो कि जतोई अलीपुर के एरिया में है। अभी जामा मस्जिद सकीना सुगरा का विज़िट करने के लिए आए हैं। यहाँ असर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर मस्जिद का विज़िट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है, सामने आ भी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह सामने मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बड़े खूबसूरत। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। पहले एक दफ़ा मैंने यहाँ चक्कर लगाया है, काफ़ी सालों के बाद, 10 साल बाद शायद मैं दोबारा यहाँ आया हूँ चक्कर लगाने के लिए। मस्जिद का अंदरून वज़ू खाना और इस तरफ वाशरूम है, और ये वाला जो वज़ू खाना है ये बाहर है, शॉर्ट सा छोटा सा खूबसूरत वज़ू खाना। यहाँ से मैं वज़ू करता हूँ। ये इसका अंदर का हाल है। सबसे पहले हम अंदर आ गए हैं, जो यहाँ के मुतवल्ली हैं उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से विज़िट कर लें, क्योंकि हमने फिर इसको क्लोज़ भी करना है। हम सबसे पहले अंदर आ गए हैं। मैंने कहा सबसे पहले भी आपको जिस तरह से हम आए हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसके ऊपर ग्राफी की गई है। दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं, दोनों तरफ से छोटी सी सीढ़ियाँ खूबसूरत सी ऊपर चढ़ रही हैं, और ऊपर जाकर दोबारा से एक छोटा सा एक हॉल है, हॉलनुमा कमरा है। और माशाल्लाह इसका जो फ़ानूस लगा हुआ है बहुत प्यारा, मुझे इसका सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो अल्लाह का जो नाम लिखा हुआ है उसके अंदर जो कलर मैचिंग की गई है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो आप इसको साथ साथ देखते रहें, विज़िट करते रहें। बाहर इसका मीनार और साथ आमों के बाग हैं, हर तरफ ग्रीनरी है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक डोर इस तरफ है, ये बंद है। मेन डोर ये वाला है जो फ्रंट से ओपन हो रहा है, और इस तरफ वाला डोर इन्होंने ओपन किया हुआ है, बाकी बंद किए हुए हैं। ये जो मस्जिद का तहखाना है माशाल्लाह, और तहखाने के अंदर नीचे जो मेंबर की जगह है, माशाल्लाह पूरा एक विज़िट हम कर लेते हैं चलते हुए। ये भी डोर है मस्जिद का इस तरफ से, ये भी डोर है, और इस तरफ से बाहर है। इससे बाहर का मंज़र और इसका माशाल्लाह से प्यारा खूबसूरत सा मीनार। ये मीनार की सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की। यहाँ स्टूडेंट्स नेट वॉलीबॉल, मस्जिद का बरामदा बाहर से माशाल्लाह खूबसूरत सा एक, यहाँ एक छोटी सी बालकोनी नुमा जगह दी गई है, बाहर की जाए नमाज समझ लें। इस तरफ से एक छोटा सा सादा कब्रिस्तान है कच्चा, और इस तरफ से मस्जिद का नज़ारा कुछ ऐसा है। ऊपर से यहाँ से नज़र नहीं आ रहा पूरा। ये वाला ठंडा पत्थर यहाँ पर लगाया गया है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके ऊपर ठहरा नहीं जा सकता एक मिनट के लिए भी। इस तरफ से माशाल्लाह गेट है मस्जिद का, ज़्यादा गर्म फर्श है, आया नहीं जा सकता। यहाँ पर ये एनुअल प्लांट्स लगाए जाते होंगे। शूज़ यहाँ पर हैं, हाँ 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 जल गए।
उसने हाँ उनके लिए वो शूज़ स्पेशल इस्तेमाल कर रहे हैं। शूज़ यहाँ नहीं रखा था, वहाँ था, ये रख दिया है। शूज़ यहाँ से उठाते हैं और मस्जिद को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये हॉस्टल हैं बच्चों के, ये स्टूडेंट्स खेल रहे हैं यहाँ। कैसे गए हैं पापा, कहाँ हैं? पानी पीने का ठंडा उसी तरफ है, और जो वहाँ भी था एक। पानी पीते हैं, सेंट्रल सिस्टम होंगे ना। बहुत ही प्यारी है। ये तो अभी वापसी कर रहे हैं, वापसी इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब अपना वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ये मस्जिद का मेन गेट है और इसी के सामने एक पार्क भी बना हुआ है। हम ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुक सक रहे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाड़ी में बैठते हैं और वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।